बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ हैंड सैनिटाइज़र का। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस की बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो इससे हमें एहतियात करनी है, और जितनी भी एहतियात कर सकें वो कम है, क्योंकि कोरोना वायरस इस कदर तेज़ी से फैल रहा है कि हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। अगर हमने इसे सीरियस नहीं लिया तो ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरा बन सकता है। तो इसके लिए जो सबसे पहले हमने एहतियात करनी है वो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। हैंड सैनिटाइज़र अगर आप बाज़ार से लेने जाएंगे तो वो आपको बहुत ही महंगा इस टाइम अवेलेबल होगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ की जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हमारे बाज़ारों में वो चीज़ ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो हमने इस हैंड सैनिटाइज़र को घर में किस तरह से बनाना है, लेकिन इसको बनाने से पहले मैं आपको एक टिप बता दूं कि जब आपने ये हैंड सैनिटाइज़र हाथों पे यूज़ किया हो तो आपने चूल्हे के पास नहीं जाना है, क्योंकि आग के पास अगर जाएंगे तो इसमें अल्कोहल होता है, तो वो उससे आपकी स्किन बर्न हो सकती है। तो जब भी आप चूल्हे के पास जाना हो या कोई काम हो चूल्हे के वाला, किचन में जाने वाला, तो आपने अपने हाथों को पहले वॉश कर लेना है हैंड सैनिटाइज़र का आपने यूज़ किया हुआ है, उसके बाद आपने चूल्हे वाला काम करने के बाद हैंड सैनिटाइज़र दोबारा यूज़ कर लेते हैं। तो आइए हम इसको बनाते हैं। इसकी बहुत ही कम कॉस्ट है, बाज़ार में ये बहुत ही महंगा अवेलेबल होगा। अगर आप घर में बनाएंगे तो तकरीबन ये 20 से 30 रुपये में आपको बन के मिल सकता है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। सबसे पहले हमने इसमें स्प्रिट ऐड करनी है, उसके साथ में यहाँ पर ऐड करूँगी डिटॉल का लिक्विड, उसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल, उसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी ग्लिसरीन, हाफ लेमन और विटामिन ई के कैप्सूल, ये आपको हर जगह से इजीली मिल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लेनी है स्प्रिट, और यहाँ पे हम लेंगे एक बॉल। इस बॉल में हम ऐड कर देंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब स्प्रिट, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये मैं आपको डेमो इसका दिखा रही हूँ कि आप किस तरह से इसे बना के अपने घर में यूज़ कर सकते हैं और सब फैमिली मेम्बर्स को इसका यूज़ करवाएं। उसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल, आप फ्रेश भी ले सकते हैं और स्टोर्ड भी ले सकते हैं। उसके साथ इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब आपने डिटॉल लिक्विड यूज़ करना है, उसके साथ आप ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून ग्लिसरीन, और उसके साथ मैं ऐड करूंगी लेमन, इसके हम बीज निकाल लेंगे, 1/2 लेमन आपने लेना है फ्रेश लेमन, और इसका जूस निकाल लेना है इसमें। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे विटामिन ई के कैप्सूल, एक ही आपने विटामिन ई के कैप्सूल लेना है, और इसे हम किसी भी पिन या कैंची की मदद से खोल लेंगे और इसमें इसका जूस ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आपका बेस्ट हैंड सैनिटाइज़र बन गया है और बहुत ही चीपली ये तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आजकल ये आपकी मेन ज़रूरत है, आपकी मेन नीड है। आपने इसे घर में ज़रूर बनाना है और इसे ज़रूर ट्राई करें, और कोशिश करें कि आप घर में बना के इसे यूज़ करें। और इसके बाद हम इस तरह की कोई स्प्रे बॉटल लेंगे और इसमें हम इस हैंड सैनिटाइज़र को ऐड कर देंगे। इस तरह से हम इसे बंद करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप कोशिश करें कि अपने घर के जितने भी दरवाजे हैं उनके जितने भी हैंडल हैं, क्योंकि वो बार बार खुलते हैं, आपका मेन गेट जो बाहर का मेन गेट है उस पे लाजमी इसका स्प्रे करें, क्योंकि वहाँ पे हर किसी के हाथ लग रहे हैं। कोई भी आपके बाहर से कोई पर्सन आ रहा है तो उसका ज़रूर लगेगा। आपने इस तरह से इसका स्प्रे करना है और अच्छे से आपने हाथों पर लगा देना है। और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने इसे यूज़ करने के बाद चूल्हे के पास नहीं जाना, आग के पास नहीं जाना। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, और लाइक और शेयर लाजमी करें, और दूसरों को लाजमी बताएं कि इसका किस तरह से यूज़ है। अल्लाह हाफिज़।